आपका स्वागत है स्टैंडर्ड न्यूज़ पर। तो हमें अभी खरसांग पुलिस स्टेशन, जैसे कि ग्याकल का घटना को लेके हम लोग यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट लेने आए हैं। और ग्याकल का घटना 30 मार्च को हुआ, ये करीबन 7-8 बजे का अंदर यहाँ पे घटना जो हुआ कि यहाँ का पब्लिक जितना भी था यहाँ पे इकट्ठा होके यहाँ पे पुलिस में थोड़ा तोड़फोड़ किया गया। वो लोग का जो गुस्सा है यहाँ पे उतरा गया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से पुलिस का ही कमियाँ दिखाई दे रहा था यहाँ पे पुलिस स्टेशन में। क्योंकि ये जो केस जो दर्ज हुआ 11 को 7 को ये जो घटना हुआ, और फिर इतना समय जो हो लग गया ये पुलिस स्टेशन का तरफ से, वो लोग इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगा दिया, तो उसके लिए पब्लिक का जो गुस्सा था। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को चलाया गया और बाइक लोग को चलाया गया, और पुलिस थाना को किस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए स्टैंडर्ड न्यूज़ नोंगचालांग चिंग के साथ। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचुन विलेज के यूथ लीडर, तो उनसे जानेंगे कि ये लोग का डिमांड क्या है। हमारी ये बस्ती यूथ है कि ना, हमारा डिमांड तो ये तो आ कि ये तो जी तो घटना हो से इटोर कारण आम सब ये जुली आम के सजा तो पा लगे यू जो ने कि यू कतिल करो कतिल तो जी जलि पारे यू फाँसी जलि यू जलि के यू फाँसी जा लगे। आमार यू जूथ और आमार यू पंचन बस्ती है जूथ और डिमांड तो यू आसे। और दुई नम्बर आमार पुलिस डिपार्टमेंट यू कारण भी यू पुलिस डिपार्टमेंट भी डिले यू कारण यू आज दिन तक यू आम पुलिस डिपार्टमेंट यू डिले नोहा हम तो आम यू मानु डेथ बडी टी आम भार पर यू पा आसे हम भी आज अक हालदीटे आम यू देखि पासी यू कि कारण आसे आम सब यू बस्ती हुई किना आम 11 तारीख एफ आई आर यू दर्ज कर थाना हम भी हेन्ति काम करा ना। इते बस्ती मा बाबारे भी किना बस्ती हेन्ति इन्वेस्टिगेशन करा ना, हेती कूदा पोसा करा ना, इते लरा छाल तार मा बाबा कभी सूदा ना किना। और लगते ताते जो जगह घटना होते बगानते ताते भी हेन्ति इन्वेस्टिगेशन करा ना, यू कारण आज दिन लगे इने बस्ती घटना तो आई जो हेन्ति इन्वेस्टिगेशन तो जेने का आम एफ आई आर दी निचिना जो हेन्ति करा तो आम यू बहुत आगत यू पाई जाए और बडी तो भी यू बहुत आगत पाई जाए यू हेन्ति डिले कर आज दिन लगे यू अपना डिमांड तो किसान आम डिमांड तो यू आसे यू जो कार्पेट आसे तार कारण यू जलिके जलि यू सजा तो पा लगे यू फाँसी यू जा लगे यू तार मरा तो आम भी यू देखि पा लगे और आम यू आम भी यू एक गम पा लगे यू आसे। और सेकेंडे आसे इते विक्टिम फेमिली आसे विक्टिम फेमिली कारण भी जी तो गवर्नमेंट फिन पर जी कम्पेन्सेशन दी आसे यू दी लगे आमार यू एक बस्ती जुट है भी यू क्लेम कर डिमांड तो। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनी के सिंह आई ए एस ऑफिसर मियो के ADC। सर आपको यहाँ पे आने का जो मेन रीज़न है, एक हमारा सब डिविज़न में खारसांग सर्कल में एक बहुत अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट हो गया, जो हमारा एक लड़की है उनके साथ में उनका एक बॉडी को कल रिकवर किया है पुलिस ने, और उसके बाद से आज उनका लास्ट रिचुअल था, फ्यूनरल था, तो हम उसी में फैमिली के साथ एक बार इस चीज़ को उनके साथ अटेंड करने के लिए आए थे। जी सर, सर हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ के अभी जो केस से रिलेटेड सिक्योरिटी का बारे में आप क्या। इसमें जो हम लोगों का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड हम लोगों ने सोचा कि इस केस को हम लोग फास्ट ट्रैक मैनर में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रायोरिटी बेसिस पे इसको हम लोग टेकअप करेंगे, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ इसमें हमने ये सोचा है कि इस केस को हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो SIT होती है उसका गठन करके उनसे इन्वेस्टिगेट करा के इसमें हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे। थर्ड चीज़ हमने जो इसमें सोचा है कि जो भी अभी तक एविडेंसेस गैदर हुए हैं उसके साथ साथ हमारा जो पुलिस टीम है, पुलिस टीम को अच्छे से इन्वॉल्व करके हम लोग जो एविडेंसेस गैदर हुए हैं उनको पुख्ता करेंगे, ताकि हमारा कन्विक्शन जो है इस केस में वो एकदम सटीक हो, जज के सामने हमारे पास इनफ एविडेंस हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा इसमें दिलवा सकें। उसके साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने जो भी विक्टिम के फैमिली को एक गवर्नमेंट के रूल और जो नॉर्म्स हैं उसके तहत जो कॉम्पनसेशन मिल सकता है उसको भी हम लोग
गवर्नमेंट की तरफ से दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे इस तरीके का इंसिडेंट ना हो उसके लिए जो एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी माएँ, बहुत सारे वेमेन शाम को रात को भी घूमते हैं, किसी ना किसी काम के लिए जाते आते हैं, तो कुछ जो सेक्लूडेड एरिया है, कुछ जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का हम लोग तुरंत आगे आने वाले 15 दिन के अंदर में सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगाएंगे, और उसके साथ ही साथ जो हमारा आईएलपी चेकिंग का जो सिस्टम है, आईएलपी का जो सिस्टम है उसको हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे जो चेक गेट्स हैं वहाँ पे अभी भी चेकिंग होती है, लेकिन हम लोग उसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से चेकिंग करेंगे। जिनको आईएलपी नहीं है वैलिड जिनके पास में, उन लोगों को हम लोग पुशबैक करेंगे अभी। तो ये कुछ तरीके हैं, और साथ ही साथ जो टी गार्डन्स हैं, जो भी इस तरीके के यूनिट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, तो पुलिस के थ्रू हम लोग पीरियोडिक इंस्पेक्शंस वहाँ पे करेंगे, और उनके जो भी एंटीसीडेंट्स हैं उसको हम लोग वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से, वहाँ के भी पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, और जो आगे मैंने पिछले 1-2-3 मेजर्स बताए थे कि हम लोग इसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे करेंगे, हम लोग एसआईटी के थ्रू करेंगे, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कन्विक्शन इस केस में कड़ी से कड़ी, जितनी भी ज़्यादा सज़ा मिल सकती है उस उतनी सज़ा दिलाने की कोशिश करी जाएगी, और विक्टिम को, एक जो विक्टिम का फैमिली है उनको एक जस्टिस दिलाने की हमारी तरफ से पूरी प्रयास होगी। सर, और मैं पूछना चाहूँगा, ये जो अभी सज़ा की बात है, अभी तो जितना भी खुलासा तो हो चुका है सर केस से रिलेटेड, तो उसके लिए कितना तक समय लग सकता है सर आपका हिसाब से? देखिए, ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है इस केस में, अभी चार्जशीट फाइल होना बाकी है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होना है, इवन कन्फेशन होने के बाद भी हम लोगों को बहुत सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कराना होगा, जो वेपन है अगर उन्होंने कोई यूज़ किया उस वेपन को रिकवर करना होता है, और भी बहुत सिम जो है, जो हमारा विक्टिम है उनके साथ कुछ ऐसा जैसे बैग हो गया, कुछ सामान है वो कहीं और से रिकवर हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दीबाजी भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कन्विक्शन कराना है 100% तो हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरी निटी ग्रिटीज को कैप्चर करना पड़ेगा, ताकि जज के सामने कोई भी एक रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए कि इस आदमी ने इस चीज़ को नहीं किया है। तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल टाइम में इसको कोशिश करेंगे करने का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का अपना एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा बस वही समय लगेगा जो मैक्सिमम है। तो सर 5-10 साल तो नहीं लग सकते? नहीं 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 नहीं, 5-10 साल का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको साल में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और सर, कंपनसेशन से लेके रिलेटेड आपसे कुछ जानना चाहेंगे, उसमें क्या पैकेज रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट के तरफ से जो हमारी यहाँ आने के पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे सर हैं उनसे बात हुई थी, तो उनके बोलने के हिसाब से जो गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न होता है वो अबाउट 4 लाख के आसपास का कुछ कॉम्पनसेशन अमाउंट बनता है, तो उसको हम लोग अभी आने वाले दिन में, अगले कुछ हफ्ते में उसको फिक्स करके और रिटर्न में हम लोग उसको इसका वो निकाल देंगे कि कितना बनता है, क्या बनता, और फैमिली को हम लोग उसको हैंड ओवर कर देंगे। सर, सिर्फ केस रहेगा या कुछ और? देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग अपना तरफ से, सिंस हमारा म्याओ सब डिवीज़न के लिए ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, और मुझे भी एज ADC ऑफ दिस सब डिवीज़न बहुत ज़्यादा दुख है। तो ऐसा क्या है कि जब जान चली गई तो अब तो वो वापस नहीं आ सकती है, बट उनको हम अपने मेमोरीज में रख सकते हैं, उनके सोल को हम मेमोराइज कर सकते हैं, तो उनके मेमोरी में मैं एक जो म्याओ में पार्क बना रहा हूँ, उस पार्क को हम इस बहन के नाम में डेडिकेट करेंगे। तो इस तरीके से और भी कुछ हो सकता है तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनका जो मेमोरी है वो हमारे बीच हमेशा रहे। क्योंकि जो सर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये लड़की जो 25 ईयर्स का है वो आगे जाके बहुत कुछ कर भी सकता था, तो उनका परिवार अभी उसका वजह से बहुत दिक्कत में भी है, तो उसका परिवार के लिए अभी जैसे कंपनसेशन, वो सिर्फ रिलेटेड मतलब वो लोग के लिए सुविधा है या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी वो लोग के लिए? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई अगर मैं उसकी बात करूँ, तो आजकल जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मतलब प्रॉपर
एग्जाम्स के थ्रू होते हैं, तो इस तरीके का गवर्नमेंट का कुछ प्रोविजन नहीं है कि इस तरीके से कॉम्पनसेटरी बेसिस पे आपको जॉब दिया जाएगा। बट हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ प्रेफरेंशियल जॉब्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल या इस तरीके की, उसमें हम इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सारे जो गाइडलाइंस हैं, जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट कर रहे हैं। तो जैसे डेथ सेवन में जो लड़की खरसांग से पंचुन विलेज से जो गायब हुआ था, उसका जो लाश है यहाँ से रिकवर किया गया है। इतना दिन तक वो लाश तो यहीं पे पड़ा हुआ था, ये बगान के बीच। तो ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी बहुत सवाल हो जाता है। जो भी दुर्घटना हुआ या कल रात को भी पब्लिक लोग ने जो भी किया, तो ये इन सभी के कारण पब्लिक लोग ने स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो गया। तो यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका सुनवाई हो और केस का सॉल्व किया जाए जल्द से जल्द, और एक तरीका से उन जो कल्प्रिट है वो लोग को सजा दिया जाए। तो हमारे साथ ग्रांड रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिए नोकचा लांगचिंग स्टैंडर्ड न्यूज़।